हाय लेडीज एंड जेडमैन हाउ यू गायलकमेल क्लास कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस में जुड़िए जल्दी से जल्दी ज्वाइन द सेशन ठीक है तो फटाफट फड़ सारे ग्रुप्स से भेज दो क्लास है स्टार्टेड ठीक है प्लीज सेंड इन ऑल ग्रुप्स ठीक है सारे ग्रुप्स पर भेज दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ओके वेलकम वेलकम एवरी वन टू द क्लास इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रादर ये एक सीरीज होगी ठीक है जिसके अंदर हम अपनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को समझेंगे चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो रॉ हो या फिर आपकी डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस हो नेवल इंटेलिजेंस हो विच एवर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया की उनका क्या फंक्शन है जो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो या सिक्योरिटी एस्पिरेंट हो आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी NIA की वैकेंसीज की भी बात करी गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रॉ की तैयारी कर रहे हो तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर और एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है तो ये कुछ बेसिक्स है इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो आपको पता होने चाहिए और इस सीरीज के दौरान इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया के अंदर मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो टॉपिक फॉर टूडे वुड बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई आज हम कवर करेंगे आई के बारे में इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया आज हम करेंगे आई और उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे सीरीज आगे चलेगी वी वुड बी कवरिंग ऑल दी एजेंसीज जिनके फोटोग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं सो वेलकम एवरी वन टू द कोर्स ओके टू द एक कोर्स ही हो गया एक तरीके का क्योंकि इसमें छः सात सेशन्स चलेंगे हमारे ठीक है और यहां पर आप मुझे देख सकते हो दिस इज मी आउट आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आई हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी इंडियन आर्मी यूपीएससी पी सी डी एस और एस एस बी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था और इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी उसके बाद आर्मी के बाहर आने के बाद फिर मैंने आई बी में काम करा हुआ है आई हैव ऑल्सो वर्क विद एम एच ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर दी आई बी और मैंने डिफेंस जर्नलिज्म करा है बाकी अन अकेडमी प्लस के ऊपर और इस चैनल शौर्य विवेक चैनल के ऊपर बहुत जगहों पर जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ जनरल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे करीबन 10 से 11 बच्चे इस साल पिछले से इस साल टू से 2021 में 11 स्टूडेंट्स हैव बीन रेकमेंडेड हु आर जॉइनिंग दी आर्म्ड फोर्सेस फोर ऑफ देम हैव जस्ट जॉइन ऑन थर्टीअ ऑफ जनवरी जो एयरफोर्स अकेडमी की स्टार्ट हुई जिनके मैंने आपको लेक्चर्स में काफ़ी बार बताया होगा और इसी तरीके से आने वाले आई एग्जाम के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा. तो जुड़ना है या फिर आपको फेसबुक जुड़ना है इंस्टाग्राम पर जुड़ना है ठीक सारे सारे है चैट के अंदर, उसको पिन, कर के अंदर मैं उसको पिन कर चुका हूं तो आप वहां से भी देख सकते हो और बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस भी लेता मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक फ्री कोर्स रन करा जा रहा है तो यू का इनके टेक एडमिशन इन दैट आल्सो ठीक है तो उसमें करीबन मैं 10 क्लासेस ले चुका हूँ जिसके अंदर पीडीएफ और कोर्स पूरा कंप्लीटली फ्री है तो आप अनअकैडमी का एजुकेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं और सीडीएस सीएपीएफ कैटेगरी में आप मुझे फॉलो करेंगे तो आईबी के कोर्सेज और सीडीएस डिफेंस के कोर्सेज में काफी सारे कर रहा हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है Uh, सबसे इंपॉर्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट कोड के ऊपर एक और नया कोर्स आया जो भी बच्चे सी ए पी एफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैं दिव्या मैम प्रशांत सर दो असिस्टेंट कमांडेंट विशाल कुमार सर रेशमा मैम श्री प्रतीक सर हिमांशु कुशवाहा नितिन राठौड़ और सिद्धांत सर एक बहुत ही बेहतरीन टीम आपकी सी ए पी एफ एग्जामिनेशन की तैयारी करा रही है जिसके अंदर चलकर आप असिस्टेंट कमांडेंट बढ़ते हैं ठीक है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रेफरल कोड ये टू थाउजेंड इनरोलमेंट आपके आई बी की कोर्स की है ये गलती से आ गया है यहाँ पर बट दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हुए प्रिपेयरिंग फॉर सी ए पी एफ एग्जामिनेशन इस पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेपर टू प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी दिव्या मैम हिस्ट्री श्री प्रतीक सर इंग्लिश ग्रामर सिद्धांत सर ज्योग्राफी विशाल सर मैथ्स एंड रीजनिंग नितिन सर और मैं ले रहा हूँ हिंदू आई आर एंड डिफेंस जो आपके आई बी के टेयर टू में भी यूज होगा टेयर टू टेयर वन एस एस में भी यूज होगा आपके ठीक है सी में भी यूज होगा एनडीए में भी यूज होगा तो दिस इज अ कोर्स जिसके अंदर मैं हिंदू डिफेंस सिक्योरिटी भी पढ़ा रहा हूँ हिमांशु सर सो एवर वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन कैन टेक इट मिशन आई बी कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन मिशन आई बी जो कोर्स है वो आपका जनवरी में स्टार्ट हुआ है जिस इन विच आई एम लीडिंग दैट कोर्स जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूं आपका जीके करंट अफेयर एंड कंप्यूटर फी हिमांशु सर इकोनॉमिक्स नितिन सर मैथ्स प्लस रीजनिंग और सिद्धांत सर इंग्लिश मोर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इनरोलमेंट्स इसमें हो चुकी हैं तो अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए ऑटोमैटिकली बाकी कोर्सेज में मिल जाएगा तो प्लीज डू टेक एडमिशन हु एवर इज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स और ये है तीन महीने का चार चार हजार रुपये फॉर तीन महीने छह महीने का सात हजार दो सौ टेन परसेंट डिस्काउंट कोड है आपका संजय टू इसके ऊपर भी आपको टेन परसेंट मिल जाएगा सो जस्ट रिमेंबर दिस ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे अपने कोर्सेज के बारे में देनी थी विच वॉज मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन विच आई हैड टू गिव द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सी एपीएफ आई बी एग्जामिनेशन अगर आप परचेज करके पूरा कोर्स हमारे साथ पढ़ना चाहते हो अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो उसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेटेजी से कर सकते हो बट इफ यू वॉन्ट दैटल शुड गाइड यू तो वो भी आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है तो नमक स्वाद अनुसार और प्रिपरेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अब हम आज के टॉपिक पर आएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर ठीक है

आपको ये आज रात को 12 बजे से पहले पीडीएफ मिल जाएगी यू कैन डाउनलोड और आप इससे पढ़ सकते हो और जितनी भी इस चैनल पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है वहां से आपको मिल जाएंगी फर्स्ट थिंग आज हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं और आई के बाद फिर हम रॉ पर मूव करेंगे जो रिसर्च एंड एनालिसिस होंगे फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो विच इज द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया नॉट ओनली ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो कंसर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड पहला पॉइंट तो आईबी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आईबी का एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हो ओके तो ये बहुत बताया जाता है और एक और चीज आगे बढ़ने से पहले जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दूंगा दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन पब्लिक पोर्टल्स be it the US website, Indian websites or most of the यहां पर involved है मतलब ये information available है I have just collated the information and giving you जो authenticated information है in sessions के दौरान मैं किसी भी agency की inside information आपको नहीं दे रहूँगा all the information I would be giving to you this is already available on public platform I am just telling you which is the corrected information जो correct है जो आप बता सकते हो ठीक है तो अब आगे बढ़ते है तो इट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि ये इसकी जो शुरुआत हुई है 1887 में शुरुआत है और काफ़ी सारी जगहों पर जो बताया गया है आईबी के बारे में सरकारी सोर्सेज और इंटरनेशनल सोर्सेज के हिसाब से कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसको हिंदी में हम आसूचना विभाग बोलते हैं ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जैसे इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी पता लगेगा जो आई है आई से ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खासकर सी ए ए के अंदर अगर हम बी की बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडो टिबित पुलिस की बात करें आईटीबीपी की बात करें सहस्त्र सीमा बल की बात करें फॉर दैट मैटर एसपीजी की बात करें इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बर्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है जिनसे इन ऑर्गेनाइजेशन का आगे चल के जन्म होता है इंक्लूडिंग रॉ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग तो जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता रहेगा ओके थोड़ी मैं कमेंट्स देख लेता हूं अरे लिंक ओपन होगा लिंक के लिए आपके पास टेलीग्राम आप क्रोम में मत खोलिए उससे उसे टेलीग्राम ऐप में खोलिए अगर आप फोन पर है अगर आप फोन से खोल रहे हैं तो टेलीग्राम का ऐप होना चाहिए आपके पास ठीक है ओके ऑफिशियल डेट भैया जब आईबी रिलीज करेगा तब आएगा इट इज नॉट इन माय हैंड ओके वो एमएचए के हाथ में एंड वी आर ऑल वेटिंग कि जल्दी से जल्दी ऑफिशियल आ जाए ठीक है तो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी फॉर मिटिगेटिंग डोमेस्टिक यहां पर जो बातें अंग्रेजी में लिखी हुई है तो पहले मैं वो आपको अंग्रेजी में पढ़ दूंगा और फिर उसका आपको इतमान से उसका मतलब समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है तो आईबी जो है वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए काम करती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है जिसको हम बोलते हैं रॉ जो आपकी रॉ है वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए यानी कि बाहर की इंटेलिजेंस uh, में काम करती है जिसको जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की नीड है उसके हिसाब से और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इंटरनल जो डिस्टरबेंसेस है उनको रोकने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो नीड है वो आईबी पूरा करती है आईबी का मैंडेट काफी ज्यादा बड़ा है काफ़ी जगहों पर वो रॉ और आई साथ में मिलकर भी ऑपरेशन करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिट समझती है या फिर जो हायरकी होती है वो सोचती है दैट दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स मल्टीपल एजेंसीज़ तो डिपेंड करता है कहीं कहीं पर दोनों मिक्स भी हो जाती हैं बट ज्यादातर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके डोमेस्टिक थ्रेड्स को जो इंटरनल थ्रेड्स हैं उसके लिए होती है जैसे कि अभी आपने देखा कि एम्बे इसराइल एम्बेसी के पास बम फटा तो आपने देखा होगा न्यूज में किस एजेंसी की बात हो रही थी आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हुई और फिर लिखकर आता कि होम मिनिस्टर ने डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करी होम मिनिस्टर ने डीजीपी दिल्ली से बात करी तो आप देखिए इंटरनल एजेंसीज में सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो डोमेस्टिक थ्रेड्स के अंदर भारत की बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं तो आईबी फॉल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें कोई दोराइ नहीं है 2014 के अंदर जब सरकार आई थी तो काफी बार ये अफवाह भी उड़ी थी कि आईबी माइट शिफ्ट अंडर दी पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बट इवेंचुअली डिड नॉट हैपन अब ये कॉन्स्पेरे थ्योरी है कि ये रियलिटी में हो रहा था बट ऐसी न्यूज थी बट इवेंचुअली आई बी स्टिल अंडर एम एच ए इट इज नॉट अंडर दी ओके तो आईबी डायरेक्टर जो है आपका वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का भी ट है ठीक है तो उसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बता देता हूं इंडिया में सिक्योरिटी के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी उसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगर आगे चलकर भारत की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन आई जो अभी तक नहीं है तो उसके पीछे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उसको बनाएगी वो यही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तीन पार्ट हैं पहला है उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है स्ट्रेटिजिक पॉलिसी ग्रुप दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेलिजेंस कमेटी और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटिजिक पॉलिसी ग्रुप जिसको हम एसपी भी बोलते हैं स्ट्रेटिजिक पॉलिसी ग्रुप सबसे कोर है आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन मेकिंग करती है रिलेटेड टू सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके एसपीजी का ठीक है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड कौन है नेशनल नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल के हेड आपके अजीत डोवाल साहब हु एडवाइजर जो 2014 से करंट 2014 से करंट तक अभी वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ले और वो भारत के पांचवें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और अजीत डोवाल इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं ओके तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर आगे चल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं तो ऐसे दो लोग हैं अजीत डोवाल पहले नहीं है सबसे पहले थे एम के नारायणन साहब जो उन्नीस से तिरानवे के अंदर आपके डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे और आगे चलकर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बने अजीत डोवाल साहब दूसरे हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रहे और आज की डेट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं तो ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं इनको मैंने आगे स्लाइड्स में डाला हुआ है आपको मिल जाएगा ओके okay. थोड़ा थोड़ा गला सूखता रहेगा तो मैं पानी पीता रहूंगा तो एसपीजी वो है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी आपको बताइए इसमें बहुत सारी जो इंटेलिजेंस है कोलेट करी जाएगी अलग अलग एजेंसी से जो आती है चाहे वो आपकी मैक्स से आ रही है नेवल इंटेलिजेंस से आ रही है आर्मी इंटेलिजेंस से आ रही है एम से आ रही है आई बी से आ रही है रॉ से आ रही है और कोलेट करके देखा जाता है कि भैया कि कौन सा डेटा सही है किस चीज को यूज करा जा सकता है और एक तरीके की आप मान लीजिए कोलेशन ऑफ इंटेलिजेंस और उस इंटेलिजेंस के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा दैट कि व्हाट दे वांट टू हाउ किस इंटेलिजेंस को कैसे यूज करा जाए किस फंक्शन में यूज करा जा सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जिसको हम बोलते हैं इसको हम एन एस ए बी भी बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर आपके इंडिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं चाहे वो गवर्नमेंट से हो या फिर दे हैव पार्ट ऑफ़ द प्राइवेट सेक्टर एंड देर बेसिकली हाई क्लास सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जिनको रखा गया है जो आकर अपना ओपिनियन देते हैं और उस ओपिनियन को लिया जाता है सो दैट हाउ कैन इंडिया मूव अहेड इन द नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मैं पहले ही मतलब बता रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी का मतलब इट्स नॉट ओनली आर बॉर्डर्स नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें उसमें आपके साइबर थ्रेट्स आते हैं इकोनॉमिक थ्रेट्स आते हैं पॉलिटिकल थ्रेट्स आते हैं मिलिट्री थ्रेट्स आते हैं ज्यादातर हम नेशनल सिक्योरिटी को मिलिट्री थ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं मिलिट्री सिर्फ एक चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी में इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल मेडिकल पैंडमिक और uh, साइबर थ्रेट्स पॉलिटिकल थ्रेट्स इट इज इकोनॉमिक थ्रेट्स फाइनेंशियल थ्रेट्स पावर थ्रेट्स यानी कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है और uh, आपके थर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाही करने की कोशिश उनके सिस्टम को तो बहुत बड़ी चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी इज जस्ट नॉट मिलिट्री थ्रेट्स तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन सारे मुद्दों पे बात करती है मिलिट्री थ्रेट्स जो आप ज़्यादातर सोचते हो जो पाकिस्तान और चीन का थ्रेट है या इंटरनली पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स है या जो इसराइल में हुआ दिस इज ओनली वन पार्ट अगर आप देखेंगे जैसे कि जब हिंदुस्तान में राइट्स हो रहे होते हैं या फिर मॉब लिंचिंग हो रही होती है दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी राइट बिकॉज वहाँ पर के अंदर जनता ज, 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 जनता से प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं तो राइड्स हो जाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी इशू तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत, बहुत, बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है जो बहुत सारी चीज़ों को देखता है इतना आपको पता होना चाहिए ओके okay? तो दिस इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एडवाइजरी बोर्ड अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आईबी डायरेक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप ये जो है एसपीजी एज वेल एज द ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी ओके एंड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पीएम ओके दो मोस्ट ऑफ द टाइम ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू दी होम मिनिस्टर आपने न्यूज में आप तुरंत होते हो सुना होगा हाल फिलहाल के अंदर जब अभी 26 जनवरी का केस हुआ था और उसके बाद फिर अब आंदोलन के अंदर देखा फिर अभी हमने यहां पर इसराइल एम्बेसी के पास देखा डायरेक्टर इंटेलिजेंस बुलावा डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से होम मिनिस्टर साहब मिले वो आपने इंडिया टुडे आज तक जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं चाहे टाइम्स ना हो एनडी वो नीचे वो टिक जो आपका टिकर मूव होता रहता है उसमें फ्लैश करके दिखाते रहते हैं ठीक है तो उसी तरीके से आईबी डायरेक्टर जो है डीआईबी साहब जो है वो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी और एसपीजी दोनों के हैं दिस एसपीजी इज वेरी डिफरेंट जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देता है वो एसपीजी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ठीक है वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वो एसपीजी और ये एसपीजी में बहुत फर्क है ठीक है ये एसपीजी एनालिटिकल वाला है कोर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो एसपीजी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देता है वो अलग चीज है तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आपके डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस कमेटी और एसपीजी के दोनों के पार्ट है थ्री टायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी स्ट्रेटिजिक पॉलिसी ग्रुप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ओके तो आई होप so so uh, okay? so आप सबको समझ में आ रहा होगा ठीक है आपको सबको चलो पढ़ रहा है ओके नेक्स्ट इज द एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म काउंटर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन बॉर्डर एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन एंड एंटी सेशन एक्टिविटीज तो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म के खिलाफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना काउंटर इंटेलिजेंस अगर पाकिस्तान इंटेलिजेंस कोशिश कर रही है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंटेलिजेंस को निकालना बेसिकली जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है काउंटरिंग देम सो काउंटर शब्द है काउंटर टेररिज्म काउंटर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन इन बॉर्डर एरियाज बॉर्डर एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जो बॉर्डर चीन से सटे हुए हैं और जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटे हुए हैं फॉर दैट बॉर्डर बांग्लादेश म्यांमार के साथ भी की वहां पर अगर कोई जो आपके उपद्रवी जो गलत गतिविधियां करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए उनको पकड़ने की इंफॉर्मेशन लेकर आई जाए वो क्या करने की कोशिश कर रही है और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है चाहे वो आपके आर्म्ड फोर्सेज हैं पुलिस है सी है वो इंफॉर्मेशन उनको दी जाए ताकि वो एक्शन कर सके क्योंकि तो ग्राउंड पे पकड़ने का एक्शन या किसी को मारने का या एक्शन या ऑपरेशन करने का वो आर्म्ड फोर्सेस सी और पुलिस के पास ही होगा नॉट विदी आईबी आईबी का काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और एक क्वालिफाइड एजेंसी को देना जो उसके ऊपर काम करेगी ठीक है तो आईबी जम्मू और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा नहीं है आईबी ठीक है दे इज नो डाउट अबाउट इट एंड हैव डन अ वेरी ब्यूटिफुल वर्क उसके बाद इंटेलिजेंस कलेक्शन इन बॉर्डर एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंटी सेसेशन एंटी सेसेशन क्या है जैसे कि कल को आपके जैसे खालिस्तान मूवमेंट है वो एक सेसेशन एक्टिविटीज़ है कि भैया हम अपना अलग पंजाब बनाना चाहते हैं कल को कोई को और स्टेट बोले जिसके अंदर आप एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स पास कर रहे हो भारत से अलग होने की बात कर रहे हो और भारत की अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हो अलग करने की इस टाइप की चीज़ों पर भी आईबी की बहुत पैनी नज़र होती है ओके सो काउंटर टेररिज्म काउंटर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन बॉर्डर एरियाज पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड एंटी सेसेशन एक्टिविटीज आईबी का सबसे कोर एरिया है और ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ठीक है एक एक टॉपिक को अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं और देश के अंदर दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट अ लॉड ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आई बी टू डू इट आई बी वर्क विद अदर इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बेसिकली सिस्टर एजेंसीज के साथ काम करती है रिसर्च इन एनालिसिस विंग हो गया एम आई हो गया मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गया डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस हो गया एयरफोर्स इंटेलिजेंस हो गया तो बहुत सारी इंटेलिजेंस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं आपकी इंडिया के अंदर जिसके साथ आई बी काम करती है डेटा शेयरिंग करती है सो दैट दे केन कम टू अ कंक्लूजन एंड डू द वॉट इज द जॉब रिक्वायर्ड ओके तो इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज़ यहां पर तो मैंने सिर्फ एक दो का ही नाम मेंशन करा है, बट जब जब हम जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की बात करते हैं तो सब मिलकर काम करते हैं ताकि एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन करा जा सके जब भी उसकी नीड होगी ठीक है ओके तो एजेंसी आल्सो मेंटेन्स पार्टनरशिप विद फॉरेन एजेंसीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एजेंसीज इन यूके यूएस इजराइल मतलब ये तीन एग्जांपल है तो अगर आप चाहे आगे इसराइल की मोसाद की बात करो कल परसों ही न्यूज आ रही थी कि इसराइल बॉम्ब्लाजराइल एम्बेसी के पास जो बॉम्ब्लास्ट हुआ मोसाद की टीम शायद भारत आए तो चाहे मोसाद की बात करी जाए या फिर आपकी सी की बात करी जाए यूके के एम की बात करी जाए या फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करी जाए तो इन मेनी ऑपरेशन दीज इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क टूगेदर वेन आर रिक्वायर्ड जब भी उसकी जरूरत होती है जरूरत के अनुसार काम करा जाता है और पार्टनरशिप को मेंटेन करा जाता है ओके okay, अब हम आते हैं आईबी की हिस्ट्री में अभी तक मैंने आपको यह समझाया आईबी क्या करती है आईबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और आईबी की कौन सी सिस्टर एजेंसीज है आईबी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है उसमें ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी एसपी और सिक्योरिटी uh, बोर्ड की हमने बात करी तो आर टॉपिक्स जो अभी तक हमने आईबी से रिलेटेड खत्म करे अब हम आईबी की हिस्ट्री को समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो आईबी की अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें तो आईबी की जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश ओरिजिन से है और आईबी को बेसिकली बनाया गया था अंग्रेजों ने कि भारतीयों पे नजर रखी जा सके कि भारतीय क्या कर रहे हैं इनकी आजादी की मूवमेंट क्या है इनकी नेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए तो ये के ने 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 तो ये बेसिकली इंडियंस के अगेंस्ट बनाई गई थी जब ब्रिटिशर ब्रिटिशर ने बनाया क्योंकि यही चाहेंगे ना भैया इंडिया को इंडिपेंडेंस ना मिले और इनकी सारी गतिविधियों का पता लगे तो ये अट्ठारह का जब विद्रोह होता है तो अट्ठारह के विद्रोह के अंदर अंग्रेज अचंबित हो जाते हैं कि भैया इतना बड़ा कैसे कर दिया इन्होंने और हमको पता भी नहीं चला कि हालांकि अट्ठारह का विद्रोह जो होता है वो अनसक्सेसफुल होता है उसके अलग अलग कारण है जिससे वो अनसक्सेसफुल रहता है बट इंटेलिजेंस फेलियर होता है आपके अंग्रेजों का कि इतना बड़ी रेवोल्यूशन इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कैसे करी इतना बड़ा विद्रोह इन्होंने कैसे करा और इतने अंग्रेजों को इन्होंने कैसे टांग दिया तो इसके ऊपर अंग्रेज सोचते हैं कि हमें कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी या ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे पता लगे कि भारतीय अपनी आजादी के लिए क्या कर रहे हैं और जो इनका स्वतंत्रता संग्राम है इसको रोका जाए तो यह मेजर मुद्दा था जिससे वो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को लाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो जो आपकी सिपॉय म्यूटनी है इन एटीन या अठारह का जो विद्रोह है उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आती है और इसका जन्म जो है आपका इसका जन्म होगा 1887 में दिसंबर 23 1887 और इसको बोला जाएगा सेंट्रल स्पेशल ब्रांच और इसको कौन लाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंडन और इसका प्रपोजल उस वक्त के वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन करते हैं तो यह भी एक तरीके का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है कि आई कब आई है तेईस दिसंबर अठारह को आती है तब इसका नाम होता है सी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच ठीक है और इसका प्रपोजल कौन देते हैं भारत के उस वक्त के वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन देते हैं और इसको फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो वाइस रॉय की भी ऊपर की पोजिशन है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजिशन अगर आप देखेंगे अट्ठारह विद्रो के विद्रोह के बाद अठारह के एक्ट के थ्रू आती है ओके okay, तो फिर ये बेसिक कहानी है तो क्रिएटेड अ नीड फॉर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड कीप टैब्स ऑन साइंस ऑफ पोटेंशियल अनरेस्ट एंड मॉनिटर द वेरियस रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया 1857 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसीलिए लाई जा रही है कि भारत में जितने भी राजा महाराजा उन पे कड़ी नजर रखी जा सके और इस स्वतंत्रता संग्राम या फिर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट आए इस पर नजर रखी जा सके और इसको रोका जा सके मेनली यही कारण है इनके ओके okay? और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आती है तब इसका नाम होता है सेंट्रल स्पेशल ब्रांच मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूं ठीक है यार एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट जो मुझे लास्ट पता थी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं समवेयर बिटवीन 15 टू 21 फर्स्ट फेब्रवरी उसके बाद आईबी ने अभी तक तो कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं दिए जिनसे भी मैंने बात करी थी उन्होंने यही बताया था जो लास्ट आई थी इसके अलावा फिलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है ठीक है सर इस टॉपिक से किस क्वेश्चन आ सकते हैं गिव एग्जाम्पल्स भैया पहली बात तुम आईबी का एग्जाम आईबी का एग्जाम दे रहे हो और तुम इस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद नहीं बता दो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा ठीक है तुमसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं व्हाट इज आईबी ठीक है अगर तुम आ, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वहां पर तो एस के अंदर और अगर कोई लेख लिखने को आता है आपको ऐसे लिखना है दैट जो तो सिक्योरिटी एजेंसीज भारत के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके बारे में लिखिए उनके बारे में बताइए किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं तो ये बैकग्राउंड जो है आपको हेल्प करेगा लिखने के अंदर भी टेयर टू टेयर थ्री पेपर में भी और नंबर जो एमसीक्यू एग्जाम है वहां पर तो इस टाइप के छुटमुट एमसीक्यू आ ही सकते हैं ठीक है अब मुझे यह समझाना पड़ रहा है कि आईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आईबी के बारे में पता होना नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत है ठीक है वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स एंड सिक्योरिटी एग्जाम्स ठीक है अच्छा खासकर आप आईबी की बात कर रहे हो रॉ की बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछना चाहिए राइट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स वेन यू आर सिटिंग फॉर गोइंग फॉर द आई बी एग्जाम ओके एन को मैं अलग से लूंगा जो आप आई रॉ और एन की बात कर रहे हो एन को अलग से लूंगा वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एन इज बेसिकली रिलेटेड टू टेक्निकल इंटेलिजेंस दैट्स अ सेपरेट टॉपिक आज आई की बात है ओके okay. तो ये जो सेंट्रल स्पेशल ब्रांच थी आपकी वॉज द इंटेंशन ऑफ कलेक्टिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग सोशल सेंटिमेंट एंड ओवर द सिक्योरिटी सिचुएशन ओके okay, तो ये किस लिए ले लेकर आई गई ये ऑर्गेनाइजेशन कि भैया भारत की इकोनॉमिक स्थिति पॉलिटिकल स्थिति इन सारी चीजों पर, पर कड़ी नजर रखी जाएगी और बेसिकली भारत में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है और जो लोग जुड़ रहे हैं उनका किस तरीके का सोच विचार है कि वो कहीं आगे चल के सेसे, सेसेशन तो नहीं होना सेसेशन तो नहीं करना चाहते मतलब अंग्रेजों से अलग तो नहीं होना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट तो खड़ा नहीं करना चाहते वैसी टाइप की चीज है तो स्पेशल ब्रांचेस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट Were also at the of each आप और यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज क्रिएट करके जाते हैं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्नीस सौ सैतालीस के बाद भारत भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा ओके okay. तो जॉब ऑफ दी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच वॉज एनालाइज इंफॉर्मेशन सेंट बाई दोवेंशियल स्पेशल यानी कि अगर मैं आपको एक डायग्राम के तौर पर बताऊं तो अगर आपका एक बहुत बड़ा शहर है शहर के अंदर आपकी ये सेंट्रल स्पेशल ब्रांच है इसने इंटेलिजेंस का इकट्ठी करी ये सेंट्रल लेवल पर जाएगी अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन आएगी आपकी और ये कोलेट करेंगे इकट्ठी करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे ठीक है आज भी अगर आप देखो तो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी में यही है अलग अलग एजेंसी से इंफॉर्मेशन आती है कोलेट होती है एंड डिसीजन मेकिंग होती है दिस इज नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड ओवर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है कि अगर एक जगह से इंटेलिजेंस आ रही है उसको दूसरी जगह से भी वेरीफाई करा जाए ताकि जा कोई चीज कोई गलत डिसीजन ना ले लिया जाए ठीक है तो वेरिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो इन ड्यू टाइम कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस भी ऐड कर दी गई अब पॉलिटिकल इंटेलिजेंस क्यों ऐड करी गई क्योंकि यहां पर आप देखिए जो महात्मा गांधी थे जवाहरलाल नेहरू थे सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे जो देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे थे तो इन सब लोगों पर भी बड़ी कड़ी और पैनी नजर रखी गई पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इकट्ठी करी गई कि ये, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इनका अंग्रेजों के खिलाफ क्या एजेंडा है तो बेसिकली अगर आप आईबी का पास्ट देखते हैं दैट वाज बेसिकली अगेंस्ट दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट रन बाय इंडियंस उनको सब पकड़ने के और उन पर कड़ी नजर रखने के लिए बनाया गया है इसको तो आप आते हैं कि इंटेलिजेंस uh, ब्यूरो का नाम कैसे पड़ा आईबी इसका नाम तो पहले सेंट्रल सेंट्रल ब्रांच था राइट सेंट्रल स्पेशल ब्रांच ओके तो अब आते हैं इसके ऊपर हाउ डिड द प्रेजेंट नेम कम सेंट्रल सिक्योरिटी ब्रांच से भैया ये आपकी कैसे बनती है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस कमीशन ऑफ 1902 टू 1903 अब ये 1902 से 1903 की बात हो रही है यानी किस वक्त की बात हो रही है ये बात हो रही है आपके जब स्वदेशी मूवमेंट का टाइम है और बंगाल के पार्टीशन की बात करी जाएगी ठीक है 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट जो वंदे मातरम मूवमेंट की बात है उस टाइम की बात करी जा रही है लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात करी जा रही है सेंट्रल स्पेशल ब्रांच वॉज रिस्ट्रक्चर्ड एंड रीनेमड सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि जो सेंट्रल स्पेशल मैंने सिक्योरिटी बोल दिया था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच है पहले तो सेंट्रल स्पेशल ब्रांच को अब सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि आप देखेंगे तो सेंट्रल सी आई डी की बात करी जा रही है सीआईडी डिपार्टमेंट की तो अब आई बी के अंदर एक और नई चीज एड हो रही है डिपार्टमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर इन एडिशन टू क्रिमिनल एक्टिविटीज तो अब सिक्योरिटी अफेयर्स के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी जोड़ दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ये सेंट्रल स्पेशल ब्रांच जो इसका नाम था उससे सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बन गया ओके okay, अब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज भी देख रहा था आगे चलकर इसमें और चेंजेस आए नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज बिकेम द सेंट्रल फोकस ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज रीनेम सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट CID इन 1918 1919 के अंदर आपकी मॉन्टेक चेंज रिफॉर्म्स है जिनको हम मॉन्टेक बोलते हैं अगर आप देखेंगे जलियावाला बाग हो गया राउलेट एक्ट हो गया वो भी 1919 के अंदर ही है उससे ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए ठीक है अब सी बना दी गई उन्नीस के अंदर ताकि भारत के अंदर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट पकड़ रहा है उस पर नजर रखी जा सके तो CID बना दिया गया और 1920 में इसका करंट नेम आया जिसको आज की डेट में हम इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं तो सेंट्रल स्पेशल ब्रांच रही आपकी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच से बनी सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से नाइनटीन में बनी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और उन्नीस में बनी इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इस तरीके से आपकी आई की राम कहानी है कि आईबी का जो नामकरण है वो किस तरीके से होता है तो ये जो लॉर्ड डवरिन जिसका प्रपोजल लेके आते हैं इसका फाइनल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो नाम पड़ता है वो पड़ता है नाइनटीन के अंदर आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा जब नोटिफिकेशन आएगी मेक अ वीडियो ऑन इट ठीक है अरे पिछली बार भी जब सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था फट से एडमिट कार्ड आ गया था किसी को कुछ पता नहीं लगा था तो प्लीज वेट ठीक है और आपके पास वेट के सिवा कोई और चीज नहीं है आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए नोटिफिकेशन की चिंता करना बंद कर दीजिए वो आईबी की चीज है आपको फोकस करना चाहिए एग्जामिनेशन में अपना कंटेंट अपने जीएस मैथ जनरल अवेयरनेस इन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए ओके फोकस ऑन बिगर थिंग्स ठीक है और एडमिट कार्ड बहुत सारे एग्जामिनेशन का अगर आप देखेंगे एक हफ्ता पहले भी आ जाता है ठीक है तो अभी तो फेब्री के अंदर पंद्रह दिन भी बचे हुए हैं फेब्रवरी के अंदर फर्स्ट फेब्रवरी का कल है तो प्लीज वेट लेट्स वेट अगर आगे हो जाता है एग्जामिनेशन तो हमें पता लग जाएगा सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट तो ये आई का प्रेजेंट डे कैसे नाम पड़ा है वो है अब आते हैं कि आई से और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई आईबी के बारे में हमने जाना आईबी क्या करती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने जाना उसके बाद हमने जाना कि आईबी का नामकरण कैसे हुआ अब हम जानते हैं क्या आईबी से कोई और ऑर्गेनाइजेशंस भी पैदा हुई बिल्कुल सही है सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन जो पैदा होती है वो है उन्नीस के अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता क्या है उन्नीस के बाद जो आईबी का आईबी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो काफी ज्यादा पाइलिंग अप हो रही थी तो इसके अंदर सेग्रीगेशन होता है खासकर 1962 में जिसको इंटेलिजेंस फेलियर भी बोला जाता है खासकर भारत चीन युद्ध के अंदर उसके अंदर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को अलग कर दिया जाता है और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ओके तो हाउ एवर आफ्टर फेलियर इन द वॉर अगेंस्ट चाइना इन अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इंडिया क्रिएटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं 1968 में और जो रॉ है वो आपकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर रहती है ओके okay, इसीलिए आप उसके बारे में ज्यादा न्यूज में भी नहीं सुनते हो

अगर आप इसके पास्ट में जाएंगे तो बेसिकली जो आईबी का इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस पर फोकस था उसी से आगे चल के सी का जन्म होता है तो इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिया वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप सी को मेट्रोज पे देखते हो एयरपोर्ट्स पे देखते हो और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर देखते हो सी जो सिक्योरिटी के लिए होती है केम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोकस ऑफ आई तो आईबी जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पर देखती थी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटेलिजेंस गैदर करती थी कि भैया यहां पर कोई हानि ना हो उसी उसी चीज को सोचते हुए आपके आगे चल के सीआईएसएफ का जन्म होता है ओके okay. आगे है सिमिलरली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका जन्म नाइनटीन में है इंडो टिबित जन्म नाइनटीन सिक्सटी टू में तो बी एस एफ फॉर्मड नाइनटीन सिक्सटी फाइव आई टीबीपी सिक्सटी टू एंड स्पेशल सर्विस ब्यूरो जो आगे चलकर स्पेशल सर्विस ब्यूरो क्या बोलता है सहस्त्र सीमा बल बनता है आपका जो 1963 में आता है ऑल ट्रेस देयर एग्जिस्टेंस टू आई बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटीज तो आईबी की जो बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटीज थी उन्हीं को जब अलग अलग दिशाओं के अंदर तोड़ा गया चाहे वो इंडो टिबित की बात कर रही हो या इंडो नेपाल बॉर्डर की बात कर रहे हो या फिर आपके मेन बॉर्डर्स इंडो पाकिस्तान बॉर्डर्स की बात कर रहे हो जब इनको तोड़ा गया इन बॉर्डर ड्यूटीज को तो इन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जो आज अगर आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाइनटीन इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस आई टीबीपी स्पेशल सर्विस ब्यूरो 1963 जो आगे चल के जिसका नाम हुआ सहस्त्र सीमा बल ऑल ट्रेस देर एग्जिस्टेंस टू दी आई बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटीज़ सीमा बल का थोड़ा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस से भी रिलेशन था okay? जो चल वो को दे दी गई थी स्पेशल तो को सिक्योरिटी आईबी भी, भी से ही हुआ इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वॉज बोर्न आउट ऑफ आईबीजी सिक्योरिटी विंग बट आज की डेट में देखेंगे तो एसपीजी है काफी जगहों से विड्रॉ कर ली गई है एंड इट इज बेसिकली फोकसड टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर को मिली हुई है आपकी सिक्योरिटी और ये भी किससे आई थी आईबी की जो वीआईपी सिक्योरिटी विंग थी उससे ही कर आई एंड मेनी आईबी ऑफिसर्स इन द लेटर ऑफ देयर करियर सर्व इन दी एसपीजी एंड फ्रॉम दी सी ए पी एफ डिफरेंट पीपल गो एंड वर्क देयर ओके ओके मोहित गुड आफ्टरनून थैंक यू सर फॉर मेकिंग इट वॉज वेरी हेल्प फुल आई है क्वेश्चन सर डी पर्सन गेट डेप्यूटेशन प्रोजेक्ट रॉ ऑल्सो इट विल डिपेंड अगर रॉ uh, को जरूरत है तो दे कैन दे कैन सेंड इट फॉर डेप्यूटेशन एंड देन पीपल कैन अप्लाई बट रॉ जनरली नहीं करता है इतना ज्यादा ठीक है रॉ इज मोर फोकस्ड ऑन दी देयर इंटरनल ऑफिसर्स ठीक है तो डेप्यूटेशन तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है और ऑर्गेनाइजेशन नीड के ऊपर है ओके okay? तो दिस इज दैट और फेमस आई डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें फेमस आईबी डायरेक्टर टी जी संजीवी पिल्लई क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी 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 की टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन है यानी के IB का जो हेड है प्राइवेट लैंग्वेज में अगर हम बोला जाए जो सीओ होगा सीईओ होगा तो यहां पर जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे आईबी के पहले वो थे टी एस संजीवी पिल्लई फोर्टी नाइन ईयर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट थे डीएसपी थे फ्रॉम मेड्रास प्रोविंस तो मैं कुछ फेमस डी आई बी डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ उनमें से ये जो पहले थे टी जी संजीवी पिल्लई उसके बाद एम के नारायणन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर बिकॉज ये एक तो आई पी एस कैडर के बाद जब आई पी एस से आए थे इन्होंने सीधा आई बी ज्वाइन करा था ठीक है तो दैट वॉज वन थिंग एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट इनका पूरा नाम है मयंकोडू केलनाथ नारायण ये डीआईबी के डायरेक्ट डी तो रहे ही रहे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो आगे चलकर ये आपके 2005 से 2010 तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे थे भारत के 2005 से 10 तो आपके अजीत डोवाल इज नॉट द फर्स्ट आईबी डायरेक्टर टू बिकम द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनसे पहले एम के नारायणन भी रह चुके हैं जिनका पूरा नाम है मयन कोडू केलाथ नारायणन अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर एंड वॉस डी आईबी नाइनटीन टू नाइन आई थिंक मैंने पहले बानवे से तिरानवे बोल दिया था नाइनटीन टू नाइनटीन थे आपके डी सो प्लीज करेक्ट मी अजीत कुमार डोवाल की एसी मतलब होता है कीर्ति चक्र इज द फिफ्थ एंड करंट एन एस एस टू थाउजेंड प्रीवियसली सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरोउजेंड फोर टू टू थाउजेंड फाइव आफ्टर स्पेंडिंग ऑपरेशन विंग डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे तो दीज आर सम ऑफ द वेरी फेमस आई डायरेक्टर्स ई बी इज अ वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क जहां पर आपको मल्टीपल जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा नॉलेज बढ़ेगी आपको एंड यूल गेट टू नो हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन हाउ द सिक्योरिटी एजेंसीज फंक्शन और वो कितनी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो इसके अलावा प्लीज डू वॉच दीज वीडियो इसी चैनल पर यह वीडियो है क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी पहली बात प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं आप सब्सक्राइब करते नहीं है फिर आपको पता लगता नहीं है ऐसे कल आपका वीडियो आएगा कल शाम को सात बजे ए एफ एस पी ए क्या है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन है जो आ रहा है उससे आपको समझ में आएगा दैट इज कमिंग टूमोरो सेवन पी एम और ये जो हमारी सीरीज है कंटिन्यूस चलेगी जिसके अंदर आज जैसे अगर मैंने आईबी की बात करी है फिर मैं रॉ की बात करूंगा और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा So, क्या होता है हॉट परसूट ये भी अवेलेबल है इसके अंदर सिमिलरली करंट अफेयर सीरीज इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल कल ये वीडियो रिलीज हो रहा है सात बजे जानिए क्या है एफ एस पी ए दस मिनट के अंदर मतलब दस मिनट बोलते हैं कई बार चौदह पंद्रह मिनट भी हो जाता है एक्सप्लेनेशन के अंदर तो ये कल रिलीज हो रहा है सेवन ओ क्लॉक और इसको दिव्या गुप्ता मैन एक्स असिस्टेंट कमांडेंट समझाएंगी ओके नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लाइव टॉपिक होगा व्हाट इज रॉ अदर एजेंसीज को डिस्कस करेंगे जो मैं लेकर आऊंगा तो दिस वुड बी ये आपका वेंसडे को लिया जाएगा वेंसडे को लूंगा मैं इस लेक्चर को आज संडे है संडे के बाद जो नेक्स्ट होगा ये वेंसडे को लूंगा मैं क्लास एंड दिस वुड बी इन दी मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपको पता लग जाएगा आप कम्युनिटी जरूर फॉलो करिए यूट्यूब कम्युनिटी मेरे चैनल की आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी एंड आई वुड सून ऑल्सो बी टेकिंग द टेन मिनट टॉपिक जो काफी दिनों से पेंडिंग है वॉट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ओके एंड रेस्ट ऑफ द वीडियोज प्लीज फॉलो आई बी एस एल मेडिकल फिजिकल प्रोसेस और इस वीडियो को तो पक्का देखिए सीक्रेट लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस जिसके अंदर हमने काफी चीजें कवर करी है फ्रॉम दी इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी सारी चीजें पता लगेगी जो भी इंटेलिजेंस वर्ल्ड के अंदर आप जानना चाहते हैं वॉट डज दई बो इन सिग्निया लोगो मीन ये भी मैंने कवर करा हुआ है सो गाइस थैंक यू वेरी मच आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा मैंने कोशिश करिए कि अलग अलग जगहों से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करके आपको दू जिससे आई क्या होती है रॉ क्या होती है सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी कवर हो इन कमिंग डेज विल ऑल्सो कवर द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आर्मी नेवी एंड एयफोर्स जिससे सारे जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका फायदा होगा और एस वगैरह के लेक्चर भी मैं लेकर आता रहूंगा सो गाइस थैंक यू वेरी मच जय हिंद ओके ठीक है तो थैंक यू वेरी मच आई बी एग्जाम का मैं भी आपकी तरह एग्जैक्ट डेट का वेट कर रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ फेब्री आ जानी चाहिए इसके अंदर और होपफुली uh, uh, जल्दी से जल्दी आए तो थैंक यू वेरी मच जय हिंद और जिसको भी कोर्स में एडमिशन लेना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे तो प्लीज रिमेंबर टेन परसेंट डिस्काउंट कोड है आपका संजय टू तो अगर आप अन प्लस पर कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो इस कोड को यूज़ करा जा सकता है ठीक है काइज थैंक यू वेरी मच जय हिंद बाय बाय